अलग चल रहा है। बोल सबको आदम। आज अमित चौक पुलिस ने क्राइम नंबर 57 पे 2024 एक मर्डर केस में जो अक्यूज है उनको पकड़ा था। चीजें की 18 तारीख को सुबह एक मर्डर हुआ था और अमित चौक पीएस लिमिट्स में जो कोटला लिजा एरिया पे हुआ था। इसमें अक्यूज जो है दोनों शेख निसार अहमद जो अलीजा को 27 साल की उम्र है और रियल एस्टेट का काम करते हैं, और जो दूसरा अक्यूज्ड है अफसर बेगम उनका वालदा है। ये विक्टिम का नाम जो डिसीज जो जिसका कत्ल हुआ उनका नाम है वाजिद जो पिज्जा दिगुड़ा का रहने वाला है, 25 साल का उम्र है। इशू है कि जो डिसीज वाजिद और निसार अक्यूज जो अक्यूज निसार है दोनों 5 साल से दोस्त थे। उन लोग का मुलाकात वही मोबाइल रिपेयर से वैसे हुआ था और 5 साल से आना जाना होते रहते थे। तो जो A2 है उनके साथ जबरदस्ती इलीगल रिलेशनशिप ने डेवलप किया जो जिसका डिसीज ने डेवलप किया, और साथ साथ जब भी आते इलीगल रिलेशनशिप के साथ साथ इन लोग पैसा भी इनसे अक्यूज उनसे लेते, तकरीबन 4 लाख रुपए भी लिया हुआ जो डिसीज ने। 17 तारीख का था जब भी पैसा मांगते तो ये डिसीज वाजिद हमेशा हल्का ले लेते थे और पैसा नहीं देते थे। 17 तारीख पर भी थोड़ा गाले गलौज हुआ था। 18 तारीख सुबह सुबह माने 4 बजे का सुबह उसने अक्यूज ने वाजिद ने कॉल करके अफसर बेगम को गाली भी दिया था। उसके बाद इन लोग ने घर पे बुलाने के बाद इन लोग प्लान किया जो दोनों अक्यूज ने अफसर बेगम और निसार अहमद ने प्लान करके इनको घर पे बुलाया, और जब बेडरूम पे आया तो अक्यूज और उसमें निसार कहीं छुपा हुआ था। जैसे ही वाजिद अली अंदर घुसा बेडरूम के अंदर, निसार ने अपने पास जो नाइफ है उससे अटैक किया, बाल पकड़ने की कोशिश किया, ये सारी किया, तब भी नहीं रुक पाया। उसमें 12 से 13 नाइफ कट्स इंजरीज हमको दिखा उस बॉडी में, और उसकी वजह से स्पॉट डेड हो गया। अब जिस दिन हम लोग गए थे एक्सीडेंट हुआ था, पूरा बेड के ऊपर भी खून निकला हुआ था। एंड जो दोनों अफसर बेगम और निसार अहमद दोनों अपने कपड़े चेंज करके वहाँ से भाग गए। आज हम लोग को इन्फॉर्मेशन था कि वो MGBS पे से भागने की कोशिश कर रहे थे, हम लोग 11 बजे के आसपास पकड़ा था। ये पूरा जो ऑपरेशन है अडिशनल डीसीपी साउथ जोन जहांगीर का पूरा सुपरविजन पे हुआ था। ACP मीत चौक वेंकटेश्वर राव गारू भी पूरा अपना गाइड करते हुए आए थे, स्पेशली इंस्पेक्टर मीत चौक रविंदर और DI मीत चौक दिलीप बहुत मेहनत की इन लोग को पकड़ने के लिए। साथ साथ क्राइम पीस WHC राजेश्वरी दिनेश संतोष अनिल यास्मीन सुल्ताना बहुत मेहनत किया इन लोग को पकड़ने के लिए। सभी लोग को हैदराबाद सिटी पुलिस के साइड से साउथ जोन DCP इमा साउथ जोन पुलिस के साइड से इन लोग को अप्रिशिएट कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं। तो और इस मौके पे हम सभी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जब भी आपके एरिया में कोई अनसोशल एलिमेंट कुछ या कोई एंटी सोशल एक्टिविटी करते हुए आपको नजर आते तो तुरंत लोकल पुलिस को इंटीमेट कर दीजिए। एंड साथ साथ अभी इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन कोड भी लागू हो चुके हैं, कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट एंटी सोशल एक्टिविटी कर रहे, कोई भी एक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को नुकसान या उसको इलीगल फेवर कर रहे तो हम लोग को इंटीमेट कर लीजिए, तो हम लोग उनके ऊपर ज़रूर एक्शन लेंगे। थैंक यू, जय हिंद। सर तो बोला, अभी तो बोला ना इसको A2 के साथ इलीगल रिलेशनशिप है, उस बहाने पे बुलाया मैंने।